नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। गाइस और बात करने वाला हूँ इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के डांस दीवा स्पेशल एपिसोड के बारे में। गाइस और स्पेशल गेस्ट बन के नजर आई लेजेंडरी एक्ट्रेस रवीना टंडन। गाइस जय भंशाली शो का शानदार आगाज करते बुलाते हैं सबसे पहले परफॉर्मर को। गाइस तो सबसे पहली परफॉर्मेंस आती है बुगी LLB एंड सोम्या कामले की। गाइस तो बहुत ही अमेजिंग ये परफॉर्मेंस थी जिस गाने पर इन्होंने परफॉर्म करा 90s के आइकॉनिक आइटम सॉन्ग के ऊपर। इन्होंने अमेजिंग परफॉर्मेंस देके सबका दिल जीत लिया। चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे क्या है। गाइज बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली बूगी LLB। गाइज तो इस परफॉर्मेंस को 14 मार्क्स मिलते हैं। गाइज तो 2 हफ्तों की स्कोरिंग के बाद चुने जाएंगे टॉप 6 और 2 कंटेस्टेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें शो छोड़ के जाना पड़ेगा। गाइज तो बहुत ही अमेजिंग ये परफॉर्मेंस थी। रवीना टंडन जी ने बहुत अप्रिशिएट किया, टेरेंस लुइस ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, सराहा इनकी परफॉर्मेंस तो गीता मकबूर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इनकी परफॉर्मेंस को। गाइज तो बहुत ही अमेजिंग ये परफॉर्मेंस थी। बेस्ट विशेस टू बुगी LLB एंड सोम्या कामले। गाइस तो उसके बाद बुगी LLB और रवीना टंडन जी का एक शायरी का मुशायरा होता है और ये जिसमें रवीना टंडन जी और विजय हो जाती है और टेरेंस लुइस भी उसमें एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। तो सभी ने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया। गाइस उसके बाद जय भंशाली अगले परफॉर्म को बुलाते हैं और नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेके आए हैं अंजलि एंड आकाश थापा। गाइस तो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत कमाल की रही। गाइस शम्मा बाजे रे मेरी पैंथर, ये गाइस उर्मिला जी ने इस गाने के ऊपर बहुत ही बेहतरीन डांस किया है। गाइस लेकिन उतना ही बेहतरीन डांस इस गाने पे अंजलि और आकाश ने करके दिखाया और सबका दिल जीत लिया। अंजलि इंजर्ड थी, इसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही दमदार थी जिससे उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। गाइस तो बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ देम। गाइस बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स इनकी परफॉर्मेंस को मिले, स्टैंडिंग ओवेशन इनके परफॉर्मेंस जजमेंट पैनल से दी गई। 15 का स्कोर इन्होंने अचीव करा। टेरेंस लुइस ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया इनके परफॉर्मेंस को। तो रवीना टंडन ने भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। इमोशनल हो उठा मूवमेंट जब वीडियो कॉल पे अंजलि के माता जी आई। गाइस तो बहुत ही प्यारी ये परफॉर्मेंस थी। बेस्ट विशेस टू अंजलि एंड आकाश, बहुत ही अमेजिंग ये परफॉर्मेंस थी। तो गाइस उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो अर्जुन बिजलानी नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं और अगली परफॉर्मेंस आती है अनिकित एंड कार्तिक राजा की। तो स्पेशल करेक्टर में नजर आते हैं अनिकित। गाइस खुतुबा के करेक्टर में नजर आते हैं, एक फीमेल कॉस्ट्यूम पहन के आए और बहुत ही कमाल के भी लग रहे हैं। गाइस जिस गाने के ऊपर उन्होंने परफॉर्म कर तो खतूबा कितने दीवाने मेरे, कितने इतने दीवानों से किसकी बनूंगी महबूबा। गाइस तो एक्सप्रेशंस बहुत कमाल के थे, सिजलिंग डांस मूव्स, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे उनकी परफॉर्मेंस को मिले गए। तो गाइस अगर आपने इस परफॉर्मेंस इस एपिसोड को मिस किया देखना तो इसे आप देख सकते हो सोने लगा आपके ऊपर एनी टाइम। गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल अबाउट रियलिटी शो अपडेट और इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के रेगुलर अपडेट के लिए और सीटी बजाती हुई नजर आती हैं रवीना टंडन। गाइस और टेरेंस लुइस ने बहुत अप्रिशिएट किया इनके परफॉर्मेंस को। और स्कोरिंग की बात करें तो इनकी स्कोरिंग जो है 20 यानी कि फुल स्कोर इनकी परफॉर्मेंस को मिलता है। गाइस तो बहुत ही अमेजिंग ये परफॉर्मेंस थी। बेस्ट विशेस टू अनिकेत। उसके बाद इंडियाज बेस्ट डांस दीवा कंपटीशन होता है जिसमें जो है फीमेल जो कॉस्ट्यूम पहनती हुई साड़ियाँ पहनती हुई नजर आती हैं विपुल समर्पण एंड भैवव एंड अनिकेत। गाइस तो और उसके बाद डांस करते हुए भी नजर आते हैं। गाइस तो इसके जो विनर रहते हैं वो समर्पण रहते हैं। गाइस लेकिन ये मूवमेंट जो था बहुत ही प्यारा था, बहुत ही कमाल का था, बहुत ही प्यारी इनके परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली। गाइस तो और उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्म को बुलाया जाता है। गाइस नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है विपुल की। गाइस विपुल एंड बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस लेके वो आए हैं। गाइस और जिस गाने को इन्होंने परफॉर्म करा दैट वाज नहीं रहना दूजा बनके, ओ रंगरेज तेरे संग दरिया में डूबा है बस तेरे बनके, नहीं रहना दूजा बनके। गाइस लिरिकल डांस का जादू चलता हुआ नजर आया उनकी और सोलो परफॉर्मेंस थी। गाइस तो सोलो और डुओ में परफॉर्म करते हुए नजर आए सैटरडे वाला एपिसोड में और आइकॉनिक सॉन्ग्स के ऊपर परफॉर्म इन्होंने करा और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस हमें विपुल की भी देखने को मिली। विपुल को 20 मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स दिए गए, स्टैंडिंग ओवेशन दिए गए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स इनके परफॉर्मेंस को रवीना टंडन और टेरेंस लुइस द्वारा दिए गए और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया गीता मां कपूर द्वारा इनकी इस परफॉर्मेंस को। गाइस तो बहुत ही अमेजिंग है परफॉर्मेंस दी गई। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है शिवांशु सोनी की। गाइस तो ये भी सोलो एक्ट होता है। गाइस तो जिस गाने पे इन्होंने परफॉर्म दैट वाज क्लासिकल फ्यूजन म्यूजिक के ऊपर इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके सबका दिल जीत लिया और क्लासिकल डांस का जादू इनके परफॉर्मेंस में चलता हुआ नजर आएगा। इस वेट किलिंग बहुत ही
ज़बरदस्त ये करते हैं गाइस, बहुत ही अमेजिंग है। परफॉर्मेंस को देखना मिस कर गए हो किसी कारण तो देख सकते हो उसे सोनी लिबे आपके ऊपर एनी वे एनी टाइम। और कौन सा कंटेस्टेंट ले जाएगा विनर की ट्रॉफी को, क्या लगता है गाइस किसके सर पे सजेगा विनर का ताज, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है शिवांशु की परफॉर्मेंस को, 20 मार्क्स मिलते हैं इसकी परफॉर्मेंस को। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स टेरेंस लुइस और विनर टंड गीता कपूर द्वारा दिए जाते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है इनकी परफॉर्मेंस को गाइस। उसके बाद जय भानुशाली जो एक गेम प्ले करते हैं रवीना टंडन जी के साथ, जिसमें बहुत सारी बातें शेयर करती हुई नजर आती हैं रवीना टंडन जी, तो बहुत ही प्यारा ये मूवमेंट होता है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है, तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेके आए हैं समर्पण लामा गाइस, जिस गाने के ऊपर इन्होंने परफॉर्म करा था वैसे जुदा होके भी मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है गाइस। बहुत ही अमेजिंग तरीके से कंटेम्प्रेरी डांस का जादू बिखेरते हुए नज़र आए समर्पण लामा सैटरडे वाला एपिसोड में गाइस। तो वो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हो, और कौन सा कंटेस्टेंट हो जाएंगे अगले हफ्ते एलिमिनेट गाइस, आपको क्या लगता है। फुल मार्क्स समर्पण की इस परफॉर्मेंस को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है रवीना टंडन गीता कपूर टेरेंस लुइस द्वारा इनकी परफॉर्मेंस, तो बेस्ट विशेज समर्पण लावा गाइस। नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेके आए हंसवी गाइस, तो हंसवी जिस गाने पर परफॉर्म करते हैं एडवर्स मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मैं बन के सवेरा जाग उठी मैं बन के मोरनी नाच उठी गाइस, बहुत ही अमेजिंग बॉलीवुड के साथ साथ क्लासिकल का जादू भी इन्होंने अपने परफॉर्मेंस में चलाया, और बहुत ही अमेजिंग इस परफॉर्मेंस को जहाँ स्टैंडिंग ओवेशन दी गई वहाँ फुल मार्क्स भी दिए गए गाइस। तो इस हफ्ते और अगले हफ्ते के स्कोर के बाद, दो हफ्तों की स्कोरिंग के बाद, दो कंटेस्टेंट जो है शो से एलिमिनेट हो जाएंगे और टॉप सिक्स जो है रेस टॉप सिक्स शुरू हो चुकी है। तो कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो टॉप सिक्स में जाने वाले हैं गाइस, देखने के लिए देखना ना भूलिए इंडियाज़ बेस्ट डांसर अपकमिंग एपिसोड। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल।